आईबी के नजदीक युवक की मौत बनी पहेली। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत। मौत के कारणों की जांच में जुटी बीएसएफ व पुलिस। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों ने पकड़ा जोर। आधार शिविर में मरम्मत व रंग रोगन का काम जारी। प्रशासन के अधिकारी समय समय पर कर रहे दौरे। आधार शिविर में जल्द पहुंचेंगी सुरक्षा बलों की टुकड़ियां। एक्सप्रेसवे के निर्माण में अब बढ़ने लगी चुनौतियां। रावी पुल के डिजाइन में तकनीकी दिक्कत आई आड़े। सितंबर 2024 तक पूरी नहीं हो पाएगी परियोजना। सफर के लिए एक साल और करना पड़ेगा इंतजार। आज शाम को फिर बंद किया जाएगा जम्मू श्रीनगर हाईवे। शाम 6 बजे के बाद काजीकुंड से रामबन बंद रहेंगे यातायात। नगरोटा और उधमपुर से भी आगे नहीं जा सकेंगी गाड़ियां। रविवार सुबह बहाल होगा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि रामबन में जो है बाल श्रम को लेकर रेड जारी है। आपको बता दें क्या कुछ खबर है। लेबर कमिश्नर एआरटीओ पुलिस की टीम मार रही है छापे और रामबन में कई जगहों पर हो रही है बड़ी कार्रवाई। बाल श्रम की मिल रही शिकायतों पर एक्शन में प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रामबन से निकलकर सामने आ रही है। लेबर कमिश्नर एआरटीओ पुलिस की टीम छापे मार रही है। चाइल्ड लेबर की बात को अगर बताए तो शिकायतें जो है आ रही थी, जिसको लेकर प्रशासन ने संजीदा तौर पर संज्ञान लिया है और जगह जगह रेड जो है वो मारी जा रही है। ब्रेकिंग दी एआरटीओ पुलिस की टीम द्वारा छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। इसी को लेकर आपको बताया जगह जगह पर कार्रवाई की जा रही है। कई जगहों पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो की गई है। बाल श्रमों की शिकायतों पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। आपको बता दें रामबन में जगह जगह पर छापे जो है वो मारे जा रहे हैं। सर पापा का नाम क्या है, क्या करते हैं वो? कल खोखा उठाएगा तो कहाँ नहीं लेंगे। तो आपसे छोटे क्या करते हैं? बड़ा कर रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहा है। नहीं वो तो लड़का ऐसे ही खड़ा है, वो तो काम नहीं करता। ये तो काम करता है ना, ये करता है। वो तो बच्चा है, वो तो ऐसे ही सांबा में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मारे गए युवक की मौत की जांच की जा रही है। 26 वर्षीय वासुदेव नाम के इस युवक की शुक्रवार देर रात आईबी के रीगल इलाके में गोली लगने से मौत हो गई थी। क्या है ये पूरा मामला, इस पर जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया से। फिलहाल अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के नजदीक संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने का मामला जो है सामने आया है। आपको बता दें 26 वर्षीय वासुदेव नाम के इस युवक की शुक्रवार देर रात आईबी के रीगल इलाके में गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है और इसी पे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषि बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी जो है इस खबर को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांबा सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय सीमा के रिगाल इलाके की बात करें तो देर रात को यहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक लेबर कर्मी जो यहां पर काम करता है एक प्राइवेट कंपनी के अधीन, यहां पर डिच का काम जिस तरह से चल रहा है, तो
उसी प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह से युवक यहां पर काम कर रहा था। तो यहां संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात को गोली लगने से इसकी जो मौत हुई है, वहीं इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद जो है इस व्यक्ति की बात करें, मृतक व्यक्ति की, तो उसको जो है वो घायल अवस्था में जिला अस्पताल सांबा में लाया गया, उपचाराधीन यहां पर किया गया, लेकिन इसे जो है वो डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड जो वो डिक्लेयर कर दिया। इसकी चेस्ट में जो वो गोली लग गई थी, जिसके चलते आज जब सुबह यहां पर परिवार के सदस्य यहां पर पहुंचे जिला अस्पताल में, तो वो काफी रोते बिलखते नजर आए। और उसी के चलते देर रात को ही पुलिस ने और बीएसएफ ने जो वो इसमें जांच शुरू कर दी थी कि इसमें क्या कुछ कारण रहे, किस तरह से गोली जो वो लगी है। तो अभी जो जानकारी मिल रही है, जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ के जो संतरी यहाँ देर रात को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं, उन्होंने देखा कि शायद कोई सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो हो रही है, कोई संदिग्ध जो वो बॉर्डर के पास आ रहा है। तो उसके चलते जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो वो युवक बताया जा रहा है कि वहां से चला गया, डर के कारण युवक जो है वो वहां से चला गया, लेकिन वहां से जो फायर निकाला गया और फायर जो वो युवक को लग जाता है, जिसके चलते युवक की इस लेबर कर्मी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसी के चलते अब परिवार के सदस्य जो वो अखनूर इलाके से जो वो यहाँ पर पहुंचे, अखनूर का ये वासुदेव नामक ये लेबर कर्मी यहाँ काम कर रहा था, तो उसी के सिलसिले में अब जो है शव को लेने के लिए परिवार के सदस्य पहुंचे हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा है, इसी के साथ साथ पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे और परिवार को समझाने की कोशिश की गई है, संवेदना व्यक्ति उनके उनके साथ की गई। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। और इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां पर इसी महीने यानी 29 जून को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा जी की वार्षिक यात्रा की तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। अमरनाथ यात्रा के जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में मरम्मत और रंग रोगन का काम किया जा रहा है। जम्मू जिला प्रशासन के अधिकारी भी समय समय पर आधार शिविर का दौरा कर इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आधार शिविर में बहुत जल्द ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी पहुंचने लगी हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर बात करें तो तैयारियां जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है, इसी में सेना की टुकड़ियां, सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी जल्द यहां पर पहुंचेगी। भगवती नगर की अगर बात करें, वहां पर जो है शिविर स्थान रखा गया है, जहां पर संख्या में श्रद्धालु जो है भारी मात्रा में आते हैं। और इसी को लेकर प्रशासन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो अब प्रॉपर तरीके से इसका संज्ञान ले रही है, जितनी भी तैयारियां हैं उसे तेज कर चुकी है, क्योंकि 29 जून को जो है विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और देश भर से श्रद्धालु यहां पर आएंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को ना करना पड़े, इसको लेकर प्रशासन जो है वो अब अपनी जो एक्शन है वो तेज कर चुकी है। आपको बता दें, आधार शिविर में बहुत जल्द ही सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी पहुंचेंगी। इस महीने 29 जून को शुरू होने वाली है अमरनाथ यात्रा और तैयारियां जो है वो जोर पकड़ चुकी है। अमरनाथ यात्रा के जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर की मरम्मत और रंग रोगन का काम भी जो है वो किया जा रहा है। जिला प्रशासन जम्मू के अधिकारियों की बात की जाए तो प्रॉपर तरीके से उनके द्वारा इंस्पेक्शन भी की जा रही है कि काम जो है वो ठीक से किया जा रहा है, कहां पर कमी है और जिन कमियों को पूरा करने की भी बात सामने आ रही है कि प्रॉपर तरीके से तैयारियां जो करी जा रही हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। और 29 जून से यात्रा शुरू होने से पहले पूरे तरीके से तैयारियां कर ली जाएंगी, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इस पर खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। यात्री निवास के आप ये विजुअल्स देख सकते हैं, यहाँ पर मरम्मत का काम जो है वो किया जा रहा है, रंग रोगन का काम जो है वो किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा के लिए ये तैयारियां जो है प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। चलिए जम्मू से हमारी संवाददाता शिल्पा हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिल्पा, बताइएगा कि भगवती नगर में किस तरीके का जो काम है वो किया जा रहा है। पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा, जहाँ पर इस समय तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, रंग रोगन हो गया, जो पार्किंग स्थल है वहां पर उन्हें ठीक किया जा रहा है, साथ ही साथ लाइटिंग लगाई जा रही है, फायर को ठीक किया जा रहा है, हॉल को पूरी तरीके से, यहाँ पर यात्री रुकने वाले हैं हॉल को जो है वो वहां पर एसी लगाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी से जो है वो जूझना ना पड़े। और इसी को लेकर जो है वो एडीजीपी जम्मू आनंद जैन और डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने दौरा किया था, जहाँ पर उन्होंने
ने जो है वो तैयारियों की समीक्षा ली, डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों से अधिकारियों से बातचीत की और तैयारियों की समीक्षा ली गई। जहाँ पर 20 जून को जो है वो यानी कि 20 जून तक जो है वो काम को पूरा करने का जो है वो निर्देश जारी किया गया है। और इसी के अलावा जो मैं आपको ये बता दूं कि अगले सप्ताह जो है वो 20,000 के करीब जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज जम्मू में पहुंचेगी। देश के अलग अलग हिस्सों से पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगी। ये सबसे पहले जो है वो जम्मू के नियंत्रण कक्ष में जो है वहां पर जो रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद इनकी तैनाती की जाएगी। आधार शिविर के अलावा भी इनकी तैनाती जो है वो संवेदनशील इलाकों में होगी, भीड़भाड़ इलाकों में होगी, सीमावर्ती क्षेत्रों में होगी, जिस प्रकार की सीमावर्ती क्षेत्रों में इनकी तैनाती होगी ताकि जो संभावित आतंकवादी यानी कि घुसपैठ करने का जो प्रयास करेंगे उन्हें जो है विफल करेंगे, उसके लिए इनकी तैनाती जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र में भी की जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा आपका जानकारी देने के लिए। और ये हमारी संवाददाता शिल्पा हमारे साथ थी। और अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों पर है और प्रशासन भी इस पे पूरा ध्यान दे रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण में अब कुछ चुनौतियां भी उभर कर सामने आने लगी हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस पैकेज में रावी के पुल के डिजाइन में तकनीकी दिक्कतों के चलते परियोजना को पूरा करने का समय बढ़ने वाला है। सितंबर 2024 की तय समय सीमा में अब ये परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में इस सड़क पर सफर करने के लिए करीब 1 साल का और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो अब चुनौतियां जो है इसमें आने लगी हैं और चुनौतियां बढ़ने के कारण जो है काम आगे 1 साल के लिए बढ़ा दिया है और इसमें काफी ज्यादा परेशानियां जो है लोगों को भी आने वाली है। आपको बता दें रावी पुल के डिजाइन में तकनीकी दिक्कत आई है जिसके कारण ये परियोजना सितंबर 2024 तक पूरी नहीं हो पाएगी। 1 साल और जो है इसका आगे टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। और चलिए इसी पे और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता रंजीव से। रंजीव बताइएगा कि क्या कुछ दिक्कतें जो आई हैं जिसके कारण टाइम पीरियड को आगे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो चल रहा था पिछले साल से ही लगातार चल रहा था, जिसकी निर्माण अवधि जो थी वो सितंबर 2024 में पूरी होनी थी, उसके चलते अभी इसका काम जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो कटरा तक एक्सप्रेस वे को बनना है तो उसके तहत जो पैकेज अलग अलग एरिया में बने हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ पे काम चल रहा है और उनमें कई जगह पर चुनौतियों के चलते इस काम को 1 साल आगे और बढ़ाया गया है। इसको अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जून 2025 में पूरा करने की बात जो है वो कही जा रही है, जबकि इसकी पहले जो डेडलाइन थी वो सितंबर 2024 में थी। तो जिसके चलते क्योंकि इसमें तब एक रावी का पुल है जो कठुआ के पास है, पंजाब की सीमा से लगता है, उसको तो उसको बनाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंजीनियरिंग का काम वहां पे है, तकनीकी रूप से वहां पर चुनौतियां हैं और उनको हल करने के लिए समय लग रहा है। उसके साथ ही ये पैकेज 14 के अंदर का काम है, उसके बाद पैकेज 15 जो हीरानगर से लेकर जख तक है वहां पर विजयपुर में जो एक्सप्रेस वे के की ऊंचाई बढ़ाने के का ढांचा जो तैयार करना है उसमें करीब 1.5 किलोमीटर का वो ढांचा है, उसमें भी समय लग सकता है, उसको लेकर भी काम जो है वो देरी हो रही है। इसके बाद जख से लेकर कुंजवानी तक जो काम चल रहा है वहां पर जो काम चल रहा है उसके चलते वहां पर जो जम्मू शहर में चौथे पुल के तभी के साथ इसको एक्सप्रेस वे को जोड़ना है उसके बीच में सतवारी के पास करीब 38 के करीब ढांचे हैं जिनको अभी हटाना बाकी है, उसमें भी समय लगेगा। और इसके साथ जो कुंजवानी से लेकर सिदड़ा तक और बंड से लेकर दोमेल तक का जो रास्ता है उस जो पैकेज है उसमें रेलवे की टनलें और रेलवे की भूमि आने से भी मामला जो है वो लटक रहा है। तो अभी 1 साल और एक्सप्रेस कर गाड़ी दौड़ाने का इंतजार आम जनता। बिल्कुल रंजीव, इसी के साथ लोगों का क्या कुछ कहना है क्योंकि परेशानियां जो है उनके लिए भी बढ़ेंगी, जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए लोगों की जमीन जो है वो अक्वायर की गई है, जहाँ जहाँ पर लोगों की मालिकाना भूमि थी उसका मुआवजा लोगों तक पहुँचाया गया है प्रशासन के द्वारा एक्सप्रेस वे के निर्माण के चलते। हाँ कहीं कहीं पर जरूर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई जगह पर
ऐसी पचीदगियां हैं कि लोगों को अपना मुआवजा लेने में अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, और ये हमारे संवाददाता रंजीव हमारे साथ थे। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं, जहां अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज शाम को फिर से यातायात बंद रहेगा। आज शाम 6 बजे के बाद काजीकुंड से रामबन की ओर हाईवे पर किसी तरह की वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह शाम 5 बजे के बाद नगरोटा से और शाम 6 बजे के बाद उधमपुर से भी कोई वाहन आगे नहीं जा सकेगा, और कल यानी रविवार सुबह यातायात बहाल कर दिया जाएगा। इससे पहले वीरवार की रात भी हाईवे को मरम्मत कार्य के चलते बंद रखा गया था। आपको बता दें अमरनाथ यात्रा करीब है, इसी के साथ पिछले हफ्ते एक बैठक रखी गई थी। उसी बैठक में जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो 17 अलग अलग जगह जो है वो डिसाइड की गई थी कि मरम्मत का काम जो है वहां पर किया जाएगा। रामबन बनिहाल से रोड पे अगर बात करें तो वहां पर मरम्मत का काम जो है पूरे तरीके से किया जा रहा है। वीरवार के अगर बात करें तो देर शाम वहां पर रास्ता बंद किया गया था, अगली सुबह यातायात बहाल कर दिया गया था, और आज भी 6 बजे के बाद नगरोटा से आगे किसी भी वाहन को जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है, क्योंकि आगे रामबन से बनिहाल जो है वो रोड की मरम्मत का काम जो है पूरा किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर ये सारी तैयारियां की जा रही हैं, इसी में ये रोड की मरम्मत का काम भी रामबन से बनिहाल किया जा रहा है। ऐसी 17 और जगह है जहां पर मरम्मत का काम किया जाएगा, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ये तैयारियां की जा रही हैं। चलिए हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी जो है इस खबर को लेकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल रूपाली, देखिए इस वक्त हम देखें क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो सिलसिला है वो कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की मेंटेनेंस का काम काफी तेजी से चल रहा है। हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ही नहीं बल्कि बाकी चीजों की भी बात करें तो तैयारियां पूरी तरह से चल रही है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन के साथ साथ डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो तमाम लोग इस वक्त मसरूफ है तैयारियों में। इस वक्त सेक्रेटरी PWD है जो इस वक्त रोड का जायजा लेने के लिए बनिहाल के अंदर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये कही कि हमने पिछले दिनों देखा कि एक बात सामने आई थी कि हाईवे पर 48 घंटे का जो है हॉल्टेज दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए और हाईवे को मेंटेन करने के लिए दोनों चीजों को ध्यान में रखा गया। एक तरफ की अगर हाईवे 48 घंटे के लिए बंद होगा तो परेशानियां मुसाफिरों को होंगी, वादी कश्मीर के अंदर अशियाई खुरदनी और जरूरी जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। इसी को लेकर आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर रोज रात को रोड मेंटेनेंस होती है। आज की ये भी उम्मीद है कि आज भी रात 6 बजे के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त हाईवे पर रोक दिया जाएगा, जो भी रोड मेंटेनेंस है जहां पर अर्जेंट रिपेयर है उसे किया जाएगा, और उसके बाद कल सुबह से फिर से गाड़ियों की जो आमदरफ्त है उसे बहाल किया जाएगा। फिलहाल कहीं ना कहीं हाईवे पर अमरनाथ यात्रा के चलने से पहले ही तैयारियां उरूज पर है, चाहे हम हाईवे की बात करें अगर दीगर तैयारियों की बात करें तमाम तरह की तैयारियां की जा रही, कोशिश की जा रही कि रोड सर्फेस को बेहतर किया जा सके। जी बिल्कुल नदीम, इसी के साथ अगर बात करें तो कितना देर और लगेगी अगर रोड की बात करें इसको रिपेयर करने में, क्योंकि मरम्मत का काम जो है पिछले वीरवार भी किया गया था, उससे पहले भी किया गया था, और आज भी कहा जा रहा है कि 6 बजे के बाद मरम्मत का काम किया जाएगा, तो आने वाले कितने दिन और लग सकते हैं ये रामबन से बनिहाल रोड को ठीक करने में? देखिए रूपाली, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आज की डेट में जो नाइट आवर्स में जब ट्रैफिक को बंद किया जाता है इस पर कुछ खासा असर पड़ता नहीं है। कोई ज्यादा असर हम देख रहे हैं कि हाईवे पर ट्रैफिक पर पड़ नहीं रहा है, क्योंकि रात भर अगर गाड़ियों के अंदर बंद रहती है लेकिन उस बीच हाईवे की सरफेस कहीं ना कहीं बेहतर हुई। हम देखें क्योंकि ढलवास के मकाम पर हमने देखा कि रोड की सरफेस काफी स्मूथ बना दी गई है। इसके साथ बाकी भी जगह है जिसमें हम मिहाड़ कैफेटेरिया मोड की बात करें या फिर दीगर इलाके जिस तरह से हम शेरबी बनिहाल की बात करें, मगरकोट की बात करें, मोमपसी की बात करें, ऐसी जगह है जिनको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहना भाई कबल अज वक्त होगा, क्योंकि अगर मौसम खराब होता है तो जाहिर सी बात है परेशानी और बढ़ सकती है, रोड सर्फेस फिर से खराब हो सकती है। इन्हीं तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि किस तरह से हम रोड को बेहतर बनाएं ताकि अमरनाथ यात्रा का काफिला जब वादी कश्मीर की तरफ जम्मू से निकले तो उससे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और ट्रैफिक जाम जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए नदीम, बने रहिएगा। इसी के साथ बड़ी खबर जो है रामबन से सामने आ रही है, बाल श्रम के खिलाफ रामबन में छापे मारे जा रहे हैं। आपको बता दें लेबर कमिश्नर ARTO पुलिस की टीम छापे मार रही है, रामबन की कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, प्रशासन द्वारा एक्शन जो है बाल श्रम के लिए लिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल श्रम के खिलाफ रामबन में छापे मारे जा रहे हैं। चाइल्ड लेबर के लिए अगर बात करें तो जगह जगह पर जिन लोगों ने चाइल्ड लेबर के तहत जो बच्चों से काम करवा रहे हैं
उनकी दुकानों पे या आसपास के जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है और कार्रवाई जो है उन पर की जाएगी अगर बाल श्रम के खिलाफ किसी के खिलाफ शिकायत जो है सामने आती है। चलिए नदीम, बताइएगा कि छापे जो है वो सुबह से मारे जा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी जो है इसको लेकर सामने आई है। चाहे वो रामबन कस्बा हो या फिर इसके साथ साथ शेरी हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ साथ मैं मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट रामबन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिस के लोग, महकमा पुलिस और पुलिस के साथ साथ में पुलिस की टीम तो है ही है लेकिन मेडिकल टीम भी है और चाइल्ड लेबर के खिलाफ कहीं ना कहीं आज सुबह सुबह चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक मुश्तरका टीम को लेकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी है। एक गश्त चल रहा है इसके बाजार के अंदर, इस वक्त भी हम देख रहे हैं लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को पुलिस ने जो है मुख्तलिफ दुकानों से लाया है जो चाइल्ड लेबर के उस मामले में पकड़े गए। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें उन लोगों के जो लवाजमा जो कागज वगैरह थे वो तमाम चेक किया गया और उसके बाद उन्हें जो है पुलिस भी, क्योंकि पुलिस की टीम भी इनके साथ है और उस पुलिस के जरिए से उन लोगों को जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास एक अलग से एक ठिकाना बनाया हुआ है जहां पर उन बच्चों को रखा जाएगा और उनके जो पेरेंट्स वगैरह होंगे या फिर जहां पर वो काम करे थे उन तमाम लोगों को तलब किया जाएगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के दफ्तर में। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि रेड चल रही है बराबर, ये कहा जा रहा है क्योंकि शेरी बाजार से भी कुछ लड़कों को उठाया है, रामबन कस्बा के अंदर मुख्तलिफ दुकानों के अंदर गए हैं, छापेमारी हुई है और कहीं ना कहीं अब यह बताया जाएगा चंद्रकोट मार्केट की तरफ भी रुख होगा इस कमेटी। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और ये हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ थे और बड़े एक्शन जो है प्रशासन की तरफ से चाइल्ड लेबर को लेकर लिया गया है। अगली खबर पर बढ़ते हैं जहां पर पुंछ जिला प्रशासन ने सुरनकोट के खानाबदोश समुदाय की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है। गर्मियों के मौसम में अपनी अपनी ढोंकों की तरफ जाने वाले खानाबदोशों को प्रशासन ने आरटीसी की गाड़ियां मुहैया करवाई है। ये खानाबदोश अब अपना साजो सामान एसआरटीसी की गाड़ियों में भरकर कश्मीर की ओर रवाना हो रहे हैं, जिन्होंने पुंछ प्रशासन का आभार भी जताया है। चलिए आकाश मलिक से जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी जो है सामने आ रही। जी, मैं आपको बताता चलूं रूपाली के पुंछ प्रशासन का जो है यहाँ के जो है ट्राइबल्स लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। आज की बात करें, आज पिछले चार रोज से जो है जिस तरीके से ट्राइबल्स के कुछ लोगों से बात हुई उनका साफ लफ्जों में कहना था कि आज से चार या पांच साल पहले की बात करें हम यहाँ से श्रीनगर या अलग अलग डॉक्स पे जाते थे जहाँ जो है छह या सात दिन लग जाते हैं। आज जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसआरटीज का इंतजाम किया गया। उसके बाद जब सुरनकोट तहसीलदार से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जिस तरीके से जो है रिक्वायरमेंट आ रही है उस तरीके से जिस रिक्वायरमेंट आती है दूसरे दिन जो है इन ट्राइबल्स के लोगों को जो है गाड़ी जो है मुहैया की जाती है। तो उस तरह से देखा जाए कि लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ तहसीलदार सुरनकोट का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कई सालों पहली बात करें तो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया काफी लंबा समय लग जाता था डॉक्स पे जाते हुए, तीन से चार दिन लग जाते हैं। आज वो बिल्कुल ये सुरनकोट के मलान इलाका की बात करें, मलान इलाका से जो है इनके मवेशियों को जो है इस गाड़ी में जो है एसआरटीसी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और पुंछ प्रशासन की अगर बात करें तो एक बड़ी मुहिम जो है चलाई और इसमें खानाबदोशों के लिए प्रशासन ने एक बहुत बड़ी जो है मुहैया उन्हें करवाई है जहां पर एसआरटीसी की गाड़ियां उन्हें दी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। धन्यवाद।